है स्वीटी और यहाँ पे स्वीटी का पार्टी चल रही है। पार्टी स्वीटी का लहसुन छीलने में बहुत अच्छा लगता है। स्वीटी क्या बोलते है पता है, इतना मोटा मोटा लहसुन जिस दिन आता है ना वो खुश हो जाती है, फटाफट छील लेती है। और स्वीटी को गार्लिक बहुत पसंद है, वो कच्चा चबा के खा लेती है मुझे। हाँ ओके, सब चीज के साथ गार्लिक, राइस के दाल के साथ गार्लिक, राइस के साथ गार्लिक, सब मतलब उसको गार्लिक खाना ठीक है। गार्लिक नान स्वीटी, गार्लिक नान, स्वीटी का मुंह से पानी निकल टपक रहा है, पानी टपक रहा है। और स्वीटी इतना गार्लिक एक बार में चबा के खा लेगी, मुझे तो बहुत तीखा लगता है, उसको तीखा नहीं लगता। लेकिन बहुत ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं है क्योंकि बॉडी हीट करता है। ये चना को भिगो के रखा है, कल स्प्राउट बनाऊंगी। और ये मूंग दाल, एक गरम मसाला बना रही हूँ, उसके लिए सौंफ, फेनल, स्टार एनिस है इतना सा, नटमेग, ब्लैक पेपर, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सारे पहले ड्राई रोस्ट करना है, ठंडा करके अभी फाइन पाउडर बनाना है। तेल में सौंफ, स्लाइस अनियन, करी पत्ता, और फ्राई करते टाइम ग्रीन चिली और कड़ी पत्ता, अगर किसी को पसंद नहीं है तो मत डालिएगा, लेकिन उसमें टेस्ट बढ़ता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हार्मोनल इंबैलेंस के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा है। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट देके अच्छी तरह से भी भूनना है। फ्राई हो जाएगा कोरिएंडर पाउडर 2 चम्मच, हल्दी, और ये जो गरम मसाला है बनाया ये देख के अच्छी तरह से भी थोड़ा सा भूनना है, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची, थोड़ा सा पानी देखो। और ये भूनने के बाद चिकन में मैंने सिर्फ हल्दी और नमक लगा के रखा था, अभी इसको भून भून के पकाना है, अगर लगे थोड़ा सा पानी पहले ढक ढक के पकाना है। चल रहा है तेल मालिश। अरे मेरा सर भारी भारी क्यों लग रहा है पता नहीं, गर्मी है बाबा, गर्मी का बहुत गर्मी है, तपती गर्मी में चावल का रोटी खाओ। शांतनु ने बोला था चावल बनाने के लिए, तो मैं सोचा चावल का रोटी मुझे खाने का मन कर रहा है। शांतनु का तो एकदम आज पार्टी, एकदम पार्टी। बचपन में आटा लेके खेलती थी ना, होती ना पूरा पाउडर, पूरा वो पाउडर लेके मैं जब भी रोटी करने बैठती थी तो पूरा बॉडी पे पाउडर लगाना, ये सब बच्चे करते हैं, तो वही इसको मजा आ रहा है, बहुत चिपक चिपक कुछ अजीब फील हो रहा है। बोलो वाह तो क्या करे, एक्टिविटीज तो कुछ चाहिए। चावल का रोटी जब खाने में लगता है ना थोड़ा सा तकलीफ होता है, खाने में थोड़ी तकलीफ होता है, खाने से पहले कर तकलीफ होता है। ये बनाने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा लगता है, लेकिन जो खाने में होता है ना वो हो। विंटर में अच्छा है क्या? विंटर में अच्छा, विंटर में अच्छा है, विंटर में तो आए दिन मैं बनाती हूँ, लेकिन गर्मी में पहला चावल का रोटी चिपचिपा। मुझे भी हाथ में नहीं आता है, ऐसे करके घुमाना पड़ता है, स्वीटी चिपक जाएगा, नीचे आटा दे दिया हुई छे में। और थोड़ा आटा काम करो स्वीटी, तवा पे रखो फिर हाथ से ही घुमा लो, ऐसे तुम्हारा हाथ भी कूक हो जाएगा, ऐसे घुमा ना, ऐसे घुमा, सीख जा तू, घुमा एटलीस्ट, तू तो सीख जाएगी, मुझे नहीं आता स्वीटी, एक काम करो उसके ऊपर बैठ जाओ फिर गोल गोल घूम जाओ, मेरी को राउंड जैसे गोल गोल करके ऐसे घूमता ना, गोल गोल करके जो भी देश का मैप है इसको रफू कर लो, जैसे ड्रेस में रफू कर देता है ना वैसा, खुश हो रही है बहुत। देखो मेरा चावल का रोटी कितना अच्छा बन रहा है। हाँ शांतनु वहाँ पे कड़ची हिला रहे, टेस्ट डालने के लिए बावर्ची जब तक स्पेशल रेसिपी बना रहा हूँ मेरे वजह से। हाँ मतलब टेस्ट बढ़ जाता है ना, सोचो मैं मेहनत करूँ मैं और क्रेडिट ले जाइए, हाथ से नहीं करते नहीं गर्म हो जाएगा। स्वीटी का रोटी अच्छा बना है, पहला चावल का रोटी स्वीटी का, वाओ। इसको ना भून भून के, लेकिन आपको हिला हिला के देना, ऐसा मतलब होना चाहिए। केरला से एक आंटी ने खिलाया था ऐसा वाला, लेकिन उनका और भी तीखा हुआ था, जो स्वीटी का अभी तक याद है, इतनी छोटी थी, केरला का वीडियो देखा है ना। और अभी ब्लैक पेपर जितना भुना भुना हो गया ना उतना अच्छा, बस हो गया। ए खाने लगे जब मांगू आइस, ये उसको आइस से बहुत अच्छा लगता है। हाँ हम भी खाते थे, मैं भी बचपन में आइस चबा चबा के खाते, खाना नहीं चाहिए किसी को, डेंजरस है। आज सर्व करेगी स्वीटी, क्या होता है तो तुम्हारा स्कूल में होता कहाँ था? घंटी बजता था, घंटी भी था, उसके बाद में राउंड था, वाला नहीं था। वो तो बहुत बाद में आया। सर्व करी आपने एक एक प्लेट में एक एक
1, 2, 3, 4 ये है केरला का स्टाइल में पेपर चिकन। और वो जो गरम मसाला दिखा है वो स्पेशल केरला का गरम मसाला। कोई भी मलावरी डिश के साथ या वो आराम से बोलते बोलते मुँह से पानी आ रहा है। ये देखो इतना सॉफ्ट बनता है ना चावल का रोटी। कैसे बना? सॉफ्ट बना है ना चावल का रोटी। छोड़ो इतना मेहनत चावल का रोटी में लगता है, लेकिन असली टेस्ट तो इसमें है। छोड़ो कल से नहीं बनाऊंगी चावल का रोटी, तुमको चावल ही खिलाऊंगी। तुमको चावल ही खिलाऊंगी। इतना मेहनत करने के कोई रिवार्ड ही नहीं मिला। ये मैजिक टेप चिपकाओ, लिख दो केरला गरम मसाला। केरला जीएम, केरला का जीएम। अरे गरम मसाला इतना बड़ा लिखने के लिए जगह। ये छोटू सा ये कांच का डब्बा बहुत जबरदस्त है। ये डब्बे में भर के अभी रख दो फ्रिज में, सालों साल खराब नहीं होगा एकदम। डीप फ्रिज में, नॉर्मल फ्रिज में, एनी फ्रिज में, डीप फ्रिज में रखोगे तो थोड़ा ज्यादा दिन चलेगा। अभी रखने के लिए मसाला, मेरा खजाना भर गया। खजाना जगह ही नहीं है खजाने का। एक झलक देना, ऊपर से नीचे तक पूरा मसाला है मसाला है। हाँ, इसमें सिर्फ फ्रोजन जो मटर होता है ना, मटर मैं विंटर में क्या करती हूँ जैसा नॉर्मल इस तरह से, लेकिन मैं प्लास्टिक में रखती हूँ क्योंकि कांच का डब्बी एक बार फट गया था और ऐसा वाला मिलता भी नहीं है। स्लिम वाला चाहिए ना, फिट होना चाहिए। नॉर्मल कुछ बॉयल वॉयल कुछ नहीं करती। अरे मेरा सर ना आ जाए, पता नहीं क्यों दोपहर के बाद से ना फटा जा रहा है। क्यों यहाँ से पेन हो रहा है, यहाँ तक पेन हो रहा है। इनका एक दोस्त, इनका एक दोस्त, इनका एक दोस्त नहीं। घर पे रहो, क्यों घर पे रहोगे तो ज्यादा सेफ रहोगे। तुम भागो, अभी सोना नहीं है, कल स्कूल छुट्टी है क्या? मैं छुट्टी डिक्लेयर करूँ, छुट्टी। स्किन केयर चल रहा है। और यहाँ पे स्वीटी का बेड देखो, नोबिता का। ऐसे समर बेड करना है तो इस तरह से करो, घर के किसी भी कोने पे साइड में दो कुशन दे दो। वर्क फ्रॉम होम करने का एक मेथड, मैं स्लीप फ्रॉम होम कर रहा हूँ। जा सुबह सुबह तुमको ऑफिस जाना पड़ेगा। बोंदो अपना चिल कर रहे है। Do you know how much I love you? You put my favorite song on. ये तो बहुत जल्दी हो जाता है मूंग, और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। दिखाया था ना जो चाट बना के, वैसा आप स्नैक्स हिसाब से खा सकते हो। अभी ये सारे कपड़े का ढेर, पत्ता फैलना चाहिए, सचमुच पत्ता फैलना चाहिए। पत्ता फैलते तो इतना मेहनत नहीं करता, एक काम तो कम होता। मुझे बर्तन धुला दो ढेर सारा, लेकिन ये कपड़े का काम ना मुझे एकदम सबसे बेकार वाला काम है। अपने अपने जगह पे जाएगा सब। ब्रेकिंग न्यूज, स्वीटी ने स्कूल बंक किया, उठी नहीं, धकल धकल के उसको उठाया तो भी बोले आज छोड़ दो, आज निन्नी आ रही है। निन्नी रानी आज थोड़ा ज्यादा ही उसको डिस्टर्ब किया। अभी ठीक है ना, अभी स्कूल स्टार्ट, मतलब जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है ना न्यू सेशन का, तो एक दो दिन कभी कभार हो सकता है। बच्चे मन के सोचे होते हैं, बोल दिया ना ऐसे तो नॉर्मली बोलेगा पेट दर्द। ये देखो स्कूल तो जाना तो पड़ता था, मुझे स्कूल टाइम एकदम ही पसंद नहीं था। वो इतना टाइम तक घर से बाहर वो बांधा जैसा स्कूल टाइम मुझे कभी भी पसंद नहीं, मैं थोड़ा होमसिक टाइप का। स्वीटी का खाना खाना हो गया। मैंने बनाया था दाल खिचड़ी एकदम प्लेन, जस्ट सिर्फ जीरा का घी का छौंका लगाया था और थोड़ा सा ये आलू भाजा और ये बटर में। Okay Google, add Roo Afza to shopping list. All right. Roo Afza on your list. Roo Afza. इसका आवाज ना कटरीना कैफ लगता है मुझे। अभी चिट्ठी बनाना बंद कर दिया इधर, बेचारा गूगल माता खराब हो जाएगा। उसको बोल देना ना थोड़ा पार्ले जी बिस्किट भी भेज दे मुझे। ऑर्डर मुझे अगर करना पड़ा तो लिस्ट बना के उसका क्या फायदा? क्या ढूंढ रहे देखो तुम्हारा हाथ में इधर इधर स्वीटी ने देखो स्टार बना दिया, पता ही नहीं चला। हाँ बनाएगा। वाह क्या टैलेंट है स्वीटी, तू इनविजिबल नहीं कर लिया है। स्वीटी तेरा पप्पा को हाथ में लिखी तू खचर खचर करके, तो कुछ तो फीलिंग्स होगा है। शांतनु तुम्हारा सेंस गया लग रहा है, चमड़े में सेंस ही नहीं है, नॉनसेंस हो गया, गोंडर है चमड़ा। ये नॉन सेंस सिंपल लैंग्वेज में बोलो जिसको सेंस नहीं है। अच्छा है, किसी को दो ना तो तुमको ये उल्टा गाली दे देगा। यहाँ से यहाँ तक सारे पौधे को धूप खाने के लिए दिया है, जैसे ये सारे इंडोर प्लांट ना घर के अंदर रहते हैं, तो हफ्ते में एक दिन या मतलब एक दो दिन तो मैं इस तरह से थोड़ा निकाल देती हूँ। अच्छा लगता ना, अभी क्या करें, इसी के साथ हमारे जिंदगी को गुजारने की कोशिश करना पड़ेगा। इसमें नहीं रखूंगी, मैं ज्यादा केयर की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई प्लांट नहीं है। पहले एक मनी प्लांट था तो उसको बेचारे सुस्त हो रहा था, तो मैं मायके गई थी ना तो बहुत सारे प्लांट खराब हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लांट रहे ना तो अच्छा लगता था। अभी चलो तुमको इंडोर प्लांट, इंडोर में अच्छा रहता है। अभी घर से बाहर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, घर के अंदर ही सब सामान लेके इधर से उधर इधर से उधर पेड़ के बाहर तो घर के अंदर लेके। अरे हाँ पेड़। अभी कितना टीवी देखे, कितना नेटफ्लिक्स देखे, ट्री हाउस होता है ना, तुम
मुझे लेके जाने वाले थे ना ट्री हाउस, हमने समर वेकेशन में प्लान कर रहे थे धर्मशाला जाएंगे, हाउस में मेरा हार्ट भी डाल दिया तुम्हारे। हम लोग कभी समर वेकेशन में नहीं जाते थे, शांतनु पहले ही बोला था कुछ नहीं होने वाला, तुम वो तुम्हारे ख्वाब ना तुम्हारे अंदर रखो। थोड़ा सा अपने आप को तैयार जरूर करना शाम को, देखना मम्मी लोग भी करती थी अच्छी तरह से बाल बाल बांधना, नहीं तो क्या फील होता पता है, घर पे वैसे ही पड़े है। कुछ नहीं करती हूँ, पाउडर लगाती हूँ, लिप आपके पास कलर वाला टिंटेड वाला लिप बम है वो, या आप लिपस्टिक लगाना पसंद करते हो तो लिपस्टिक, लेकिन हेयर को कॉम करके अच्छी तरह से करना, स्पेशली शाम के टाइम ये बोलते हैं करना चाहिए घर में, जो भी लड़कियां रहते हैं जो भी बहुएं रहते हैं, मम्मी लोग तो ऐसे ही बोलते थे। स्वीटी का चल रहा है उसका स्नैक्स का प्रिपरेशन, फ्रोजन स्ट्रॉबेरी है, इसमें क्या लिया है, लस्सी, लस्सी नहीं रे बाबा, योगर्ट। हां योगर्ट, योगर्ट बचपन में योगर्ट बोलते, योगर्ट के बाद नमक स्वादानुसार, चीनी स्वादानुसार, अच्छा चीनी नमक नहीं, नमक मिर्ची पाउडर थोड़ा सा, स्वीटी इसमें थोड़ा हरी मिर्च डाल दो, थोड़ा वो स्पेशल वो महाराष्ट्र वाला मसाला डाल दो इसमें, अच्छा लगेगा। It is ready to departure. ये बन गया, क्या बनेगा, स्ट्रॉबेरी स्मूदी, देसी भाषा में क्या बोलते हैं, अरे बन गया स्ट्रॉबेरी लस्सी, लस्सी है भाई, स्मूदी में क्या फर्क है, कुछ नहीं है, अंग्रेजी का है उसमें और ये देसी लस्सी, स्मूदी तो लस्सी हुआ, स्मूदी थोड़ा सा गाढ़ा होता है ना, ठीक ठीक बनता है, लस्सी भी गाढ़ा होता है, हाँ पंजाबी तो लस्सी है, उससे का नाम चेंज कर दिया, वो चिपका रही है अभी, देखो बच्चे क्या करे, अभी समर वेकेशन है ऐसे ही कुछ ना कुछ क्राफ्ट होता ही रहेगा। स्वीटी यहाँ पे क्योंकि शांतनु ने हमें भगा दिया, शांतनु का एक फोन कॉल आया है वो उसमें बिजी रहेगा, तो हम थोड़ा सा स्वीटी का रूम पे चिल आउट करते थे, और स्वीटी का रूम अच्छा लग रहा है ना, लाइट बेचारा सफेद कर देता है सब कुछ, खिड़की में मैंने चार्ट पेपर चिपका के रखा इधर देख रहे, काला काला चार्ट पेपर, क्योंकि स्वीटी को थोड़ा लाइट आता है ना तो वो नींद उसका खुल जाता था बचपन में, काला वाला चार्ट पेपर फेविकॉल से पूरा ऐसे करके, ये जो है ना ये ऐसे करके ग्लास का है तो वो चिपका के पूरा रखा है। स्वीटी ने देखो इसको यहाँ पर टांग के रखा है, ये एक्चुअली हाँ सबने पूछा था मैत्री ये है क्या चीज, इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता, ये कॉटन का होता है जो हाथ से बुनाई करते हैं ना वहाँ पे आपको मिल जाएगा, हमने तो महाबलर से खरीदा था, महाबलर से मैं इसको इग्नोर करना, किसको इग्नोर करना, ओह ए सबका घर पे ऐसे पीछे छुपा हुआ रहता है, ये दरवाजे के पीछे है ना वो स्त्री का जो रहता है ना, तो ये किसी भी ड्रेस के ऊपर पहनो ना थोड़ा लुक ही चेंज हो कर देता, काइंड ऑफ पोंचो बोल सकते हैं, पोंचो तो हाँ काइंड ऑफ पोंचो स्टाइल में ही है, सामने से देखे तो इस तरह से है डिजाइन। बस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो किसी भी रीजन पे अच्छा लगा लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पे नया फ्रेंड्स है तो सब्सक्राइब किए बिना चलना, अभी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। Do you know how much I love you? You put my favorite song on.